दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल लेके जा रहा हूँ। स्कूल का नाम है कैरियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल बिलासपुर। पहले हम सर्वप्रथम शिव जी के श्री चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। आज यह शुभ दिन है। नंदी भगवान नाते स्कूल की दूरी मेरे अपने शहर से 40-45 किलोमीटर है और मेरा बेटा आज वहाँ एडमिशन लेगा, वहीं हॉस्टल में रहेगा। कक्षा 9th में उसका एडमिशन होगा। चल अब हम लोग निकल रहे हैं। के अंदर डालने पेंट पर देखो भी अभी अभी हम टोल नाका पहुंच चुके हैं जो स्कूल से हमारे घर के बीच में ही है। रास्ते में एक ढाबे में रुककर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए और फिर स्कूल की तरफ बढ़ चले। फाइनली शिक्षा के इस मंदिर कैरियर पॉइंट हम पहुंच चुके हैं और गेट के बाहर अभी खड़े हैं। इस स्कूल का नाम छत्तीसगढ़ के टॉप 10 स्कूलों में गिना जाता है। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अभी हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में जाने वाले हैं। कहाँ से सर आप जाएंगे? सर ये हॉस्टल में रहेगा ना आपसे? यह स्कूल काफ़ी भव्य एवं सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। एकदम व्यवस्थित रूप से गार्डनिंग की गई है। चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे। ये स्कूल करीब करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये स्कूल एकदम 5-स्टार होटल की तरह है और यहाँ पढ़ाई भी काफ़ी उच्च स्तर की होती है। अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। ऑफिस में जाकर अभी हम लोग अपने पेपर्स वहाँ जमा कर देंगे और ऑफिस अब पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग स्कूल के ऑफिस के मेन गेट पे तक आ चुके हैं। मेरा बच्चा भी बहुत खुश है इस स्कूल में आकर। उसको भी अच्छा लग रहा है स्कूल। इधर ऑफिस हम पहुंच चुके हैं।
यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी मिलनसार हैं, फ्रेंडली नेचर हैं एकदम, और हमारा काम भी तुरंत हो गया। अब हम हॉस्टल वार्डन के साथ में हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हॉस्टल देखेंगे और वहाँ भी कैसी व्यवस्था है ये भी देखेंगे। वैसे हॉस्टल यहाँ का काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशन हॉस्टल है, और अभी जाकर देखने के बाद मालूम चलेगा। और वार्डन सर भी काफ़ी मिलनसार हैं, साथ साथ वो मेरे बच्चे को लेके जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ साथ में, अभी देखते हैं। ये पीछे ग्राउंड है क्या सर? बहुत बड़ा है ना, वैसे 10 एकड़ में है शायद ना स्कूल? हाँ, स्कूल टोटल। छोटी सी प्रक्रिया के बाद हमारा हॉस्टल का काम हो गया, अब हम मैस की ओर चल पड़े हैं। मैस पहुंच चुके हैं, इनका मैस काफ़ी सुंदर है, क्योंकि अभी बच्चे आए नहीं हैं, एक दो दिन में आ जाएंगे, इसलिए अभी मैस का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैस इनका काफ़ी भव्य है, बड़ा है, साफ़ सुथरा है, सफाई की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। अंत में वह क्षण आ चुका है जहां मैं बहुत भावुक हूं, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाया हुआ हूं, मेरे आंसू देखकर, ताकि मेरा बच्चा कमज़ोर ना हो जाए।